हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे तहरी मतलब खिचड़ी। खिचड़ी तो आपने बहुत बार खाई होगी, लेकिन आज हम बनाएंगे नई रेसिपी से। तो हमने यहाँ तड़के के लिए लिया है 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच राई और टमाटर डालेंगे, आलू और करी पत्ता। ये हमने एक मीडियम साइज मतलब बड़ा आलू लिया है, उसे रफली चॉप कर लिया है, ये देखिए, और एक बड़ा टमाटर और ये कड़ी पत्ता। और हमने लिया है 1 गिलास चावल और 1 कप मूंग दाल, जिनको हमने धुल लिया है। दो बार यहाँ हमने कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। अब इसमें डाल देंगे तेल। अब चाहे तो घी में भी बना सकते हैं। अरे भाई, डिनर में बना रहे हैं खिचड़ी तो कम ही तेल डालेंगे। ये देखिए आप लोग, इतना ही तेल। तेल को गर्म होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, तेल गर्म हो चुका है, तो हम डाल देंगे ये राई और जीरा और करी पत्ता तोड़कर। करी पत्ती जरूर डालिएगा आप, तभी टेस्ट आएगा अच्छा। थोड़ा चलाएंगे। अब डाल देंगे कटे हुए आलू, और धनिया को डालेंगे बाद में। अब डाल देंगे 1 चम्मच भर के नमक और मिक्स कर लेंगे। देखिए आप लोग, कितनी अच्छी रंग बिरंगी सब्जियां दिख रही हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर, सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे। अब हम डाल देंगे ये धुले हुए दाल और चावल। 2-3 मिनट हो गए हैं आलू और टमाटर को पकाते पकाते, मिक्स कर देंगे। 2-3 मिनट और भून लेंगे इन सारी चीजों को, फिर डालेंगे पानी। अब हम 1 चम्मच घी डाल देंगे भर के और मिक्स कर लेंगे। घी से क्या है ना, बहुत अच्छी खुशबू आएगी और थोड़ा टेस्ट भी चेंज हो जाएगा। अब डाल देंगे पानी। 2-3 मिनट हो चुके हैं, तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि खिचड़ी में 3 पूरा पानी डलता है। जब यहाँ तक आ जाए उंगली में, यहाँ तक, तब पानी को मापते हैं। चावल बनाते हैं तो दोगुना डालते हैं, खिचड़ी में पड़ता है 3 गुना पानी। और ये देखिए पानी हमने डाल दिया है। अब इसमें लगाएंगे 1 सीटी हाई फ्लेम पे और 2 सीटियाँ मीडियम फ्लेम पे, तभी अच्छे से बनकर तैयार होगी। हम कुकर को बंद कर देते हैं और 3 सीटियाँ आने के बाद चेक करेंगे। देखिए हमारी सीटी ठंडी हो गई है, अब हम इसे खोल कर चेक कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी तरह बनकर तैयार हुई है। इसमें डाल देंगे हम हरा धनिया जो हमने कट करके रखा था। पानी हमने इसमें 3 पूरा डाला था, इसलिए थोड़ी ऐसी बनी हुई है, क्योंकि हमारे हस्बैंड ज्यादा पतली नहीं खाते हैं। हम लोग बनाते तो 4 पूरा डालते, मतलब 4 इंच पानी डालते। ये देखिए खाने के लिए बिल्कुल रेडी है।